तो जहां डीसी यूनिवर्स के अंदर फ्लैश सबसे फास्ट कैरेक्टर है, वहीं पर मार्वल यूनिवर्स के अंदर भी क्विक सिल्वर और मक्कारी सबसे फास्ट हैं। लेकिन अब क्योंकि ये तीनों ही स्पीडस्टर्स हैं, इसीलिए ये जान पाना काफी मुश्किल हो जाता है कि इन तीनों में से भी सबसे फास्ट कैरेक्टर कौन है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि फ्लैश, मक्कारी और क्विक सिल्वर में से सबसे फास्ट कैरेक्टर कौन है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्लैश, क्विक सिल्वर और मक्कारी में से सबसे फास्ट कैरेक्टर को जानने के लिए हम सबसे पहले इन तीनों कैरेक्टर्स की हिस्ट्री जानेंगे, देन हम उनकी सुपर स्पीड की एबिलिटीज जानेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इन तीनों की फीट्स की। और फिर इन सब चीजों को देखने के बाद मैं आप सभी को इस बात का क्लियर आंसर दूंगा कि इन तीनों कैरेक्टर्स में से सबसे तेज कौन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मक्कारी से। तो मक्कारी एक पावरफुल इटर्नल है जिसे क्रिएट किया गया सेलेस्टियल्स के द्वारा, और जिस तरह से बाकी के इटर्नल्स के पास कोई ना कोई स्पेशल पावर है, ठीक उसी तरह से मक्कारी के पास भी सुपर स्पीड की पावर है। मक्कारी लाइव एक्शन मूवीज में सबसे पहले नजर आई थी साल 2021 में द इटर्नल्स मूवी के अंदर, और उस मूवी की स्टार्टिंग के अंदर ही जब डेवियंट्स ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर देते हैं तब हमें मक्कारी की सुपर स्पीड की पहली झलक मिलती है। इस सीन के अंदर मक्कारी कुछ ही सेकंड्स के अंदर सभी ह्यूमंस को पकड़कर डेवियंट्स के आगे से सेफ जगह पर ले जाती है, और ये काम मक्कारी बहुत तेजी से करती है। और अगर यहाँ पर मक्कारी की स्पीड की कैलकुलेशन करें तो इस नॉर्मल से सीन के अंदर मक्कारी की एवरेज स्पीड 1 मैक से भी ज्यादा थी। अब मैक स्पीड कितनी होती है इसे अगर मैं सिंपली बताऊं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1 मैक की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर होती है, जिसका मतलब अगर मैं 10 मैक की बात करूं तो इसका मतलब होगा साउंड की स्पीड से 10 टाइम फास्टर। और इसीलिए इटर्नल्स मूवी की स्टार्टिंग सीन के अंदर मक्कारी ने बड़ी आसानी से स्पीड ऑफ साउंड के बैरियर को ब्रेक कर दिया था। इसके अलावा मूवी के अगले सीन के अंदर जब मक्कारी को सेलेस्टियल के सीड को ढूंढने के लिए कहा जाता है, तब उस टाइम मक्कारी बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरे अर्थ का चक्कर लगा लेती है। और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए मक्कारी प्लेन ग्राउंड्स, माउंटेन्स, लेक्स एंड रिवर्स और ओशियंस के ऊपर से भी आराम से गुजर जाती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को ओशियन के ऊपर से चलना हो तो उसे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की स्पीड को मैनेज करके चलना होगा। और इसीलिए अगर हम ये माने कि पूरे अर्थ का चक्कर लगाने के लिए मक्कारी को अगर ऑलमोस्ट 1 मिनट भी लगा होगा, तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मक्कारी की स्पीड साउंड की स्पीड से 1000 टाइम्स ज्यादा रही होगी, या फिर शायद इससे भी ज्यादा। इसके साथ ही मूवी के अंदर जब मक्कारी का इक्रिस से सामना होता है, तब उस बैटल के अंदर भी मक्कारी इक्रिस के ऊपर इतनी स्पीड से अटैक्स करती है कि उन अटैक्स को देखना भी इक्रिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से इक्रिस के लिए मक्कारी को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। पर इनके भी ऊपर मूवी के अंदर एक सीन में मक्कारी अपनी सुपर स्पीड एबिलिटी की मदद से एक पूरा का पूरा टोर्नेडो क्रिएट कर देती है। और यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि अगर हम इस स्पीड की बात करें कि एक टोर्नेडो को क्रिएट करने के लिए कितनी स्पीड से मूव करना पड़ेगा, तो मैं आप सबको बता दूं कि एक टोर्नेडो को क्रिएट करने के लिए मक्कारी को 35,000 मैक से भी ज्यादा स्पीड से मूव करना पड़ेगा, और ये टोटल स्पीड लाइट की स्पीड का 4% होता है, जिसका मतलब एमसीयू के अंदर मक्कारी की टॉप स्पीड लाइट की स्पीड का 4% तक जा चुकी है, विच इज लिटरली इनसेन। बट अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स के अंदर मक्कारी और भी कई ज्यादा तेज है, और कॉमिक्स के अंदर मक्कारी की टॉप स्पीड ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के बराबर रह चुकी है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर मक्कारी ने भागते हुए लाइट की स्पीड को भी मैच किया है। तो यही सारी डिटेल थी मक्कारी के बारे में। और अब क्योंकि आप सभी ये जान चुके हैं कि मक्कारी की टॉप स्पीड क्या है, तो आइए अब इसके आगे हम बात करते हैं क्विक सिल्वर की। तो एमसीयू के अंदर हमें 2 क्विक सिल्वर दिखे हैं, जिनमें से पहला क्विक सिल्वर हमें फॉक्स की एक्समैन फ्रेंचाइजी मूवीज में नजर आया था, और दूसरा क्विक सिल्वर नजर आया था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर। बट जो क्विक सिल्वर हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखा था वो बेशक से काफी तेज था, बट फिर भी उसकी स्पीड एक्समैन मूवीज के क्विक सिल्वर से काफी कम थी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर जब क्विक सिल्वर हॉकाई को बुलेट से बचाने आता है, तब वो बुलेट्स क्विक सिल्वर को ही लग जाती है। पर जबकि वही एक्समैन मूवीज के क्विक सिल्वर की बात करें, तो इस क्विक सिल्वर का एक किचन वाला सीन तो बहुत ही फेमस है, जिसके अंदर क्विक सिल्वर मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स को बुलेट से बचाने के लिए उनकी तरफ आने वाली बुलेट्स को बड़े आराम से डाइवर्ट कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो वहाँ पर और भी कई सारे चेंजेस करता है, और इन सारे एक्शंस को करने के लिए मूवी के रन टाइम के अकॉर्डिंग क्विक सिल्वर को ऑलमोस्ट 90 सेकंड्स लगे थे। पर वहीं एक गन की बुलेट अपने टारगेट को 1 सेकंड से भी कम टाइम में हिट कर देती है, और यहाँ पर तो बुलेट का टारगेट उससे और भी करीब है, बट फिर भी क्विक सिल्वर बुलेट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिसका मतलब क्विक सिल्वर ने यह सारा काम 0.01 माइक्रो सेकंड के अंदर ही कर दिया था। बट इस वाले सीन से बढ़कर एक्समैन मूवीज के क्विक सिल्वर का एक और बड़ा फीट है, और वो फीट हमें नजर आता एक्समैन एपोक्लिप्स मूवी के अंदर, जिस मूवी के अंदर जब जेवियर स्कूल पूरी तरह से ब्लास्ट हो रहा होता है, तब उसी टाइम पर उस ब्लास्ट के पहले
क्विक सिल्वर उस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को बाहर निकाल लेता है। और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस सीन के अंदर क्विक सिल्वर ने यह सारा काम अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए किया है, जिसका मतलब अगर क्विक सिल्वर चाहता तो वो इससे भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता था, क्योंकि इस सीन के अंदर वो कई बार अपने आप को स्लो भी करता है और कुछ ऐसे काम भी करता है जो करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। और इसीलिए अगर इस सीन के अंदर क्विक सिल्वर की स्पीड की बात करें तो इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें मूवी मेकर्स ने एक छोटा सा हिंट भी दिया था, और वो हिंट ये था कि जब क्विक सिल्वर स्कूल के अंदर जाता है तब वहीं बाहर में एक फ्लावर के ऊपर एक बी फ्लाई कर रही होती है, जो कि एवरेजली 1 सेकंड के अंदर अपने दोनों विंग्स को 130 टाइम्स फ्लाई करती है। लेकिन जब क्विक सिल्वर स्कूल के सारे बच्चों को बाहर निकाल लेता है तब उस पूरे टाइम के दौरान वो बी अपने विंग्स को सिर्फ 3 ही बार फ्लाई कर पाती है। और इसीलिए अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो इस सीन के अंदर क्विक सिल्वर की जो स्पीड थी वो थी 7.3 मिलियन माइल्स पर आवर से भी ज्यादा। और इसी स्पीड को अगर हम साउंड की स्पीड से मैच करें तो ये स्पीड साउंड की स्पीड से ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स ज्यादा थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये स्पीड भी एक्समैन मूवीज के क्विक सिल्वर की टॉप स्पीड नहीं है, और इसकी टॉप स्पीड हमें नजर आई थी साल 2019 में आई एक्समैन डार्क फिनिक्स मूवी के अंदर, क्योंकि इस मूवी के अंदर जब जीन ग्रे के अंदर फिनिक्स फोर्स आ जाती है तब सारे एक्समैन जाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर इसी सीन के अंदर जब स्टॉर्म अपनी लाइटनिंग से जीन ग्रे के ऊपर अटैक करती है तब क्विक सिल्वर स्टॉर्म की लाइटनिंग से भी ज्यादा फास्ट मूव करता है, और ये स्पीड सच में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं आप सभी को लाइटनिंग की स्पीड बताऊं तो एक थंडर लाइटनिंग की स्पीड लाइट की स्पीड का 1/3 होता है, यानी कि लाइट की स्पीड थंडर लाइटनिंग की स्पीड से सिर्फ 3 गुना तेज होती है। और मूवी के सीन के अंदर क्विक सिल्वर लाइटनिंग की स्पीड से भी तेज मूव कर रहा था, जिसका मतलब एक्समैन मूवीज के क्विक सिल्वर की टॉप स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के 1/3 से भी ज्यादा है। और इसीलिए क्विक सिल्वर मक्कारी से ज्यादा फास्ट है, क्योंकि जहां मक्कारी की टॉप स्पीड लाइट की स्पीड की सिर्फ 4% तक गई थी वहीं पर क्विक सिल्वर की स्पीड लाइट की स्पीड के 1/3 से भी ज्यादा है, विच इज ऑलमोस्ट 35% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स के क्विक सिल्वर की तो कॉमिक्स के अंदर भी क्विक सिल्वर बहुत ज्यादा तेज है, और कॉमिक्स के अंदर क्विक सिल्वर की टॉप स्पीड इतनी ज्यादा रही है कि उस स्पीड के अंदर वो रेडियो वेव से भी ज्यादा फास्ट मूव कर चुका है। और मैं आप सभी को बता दूं कि रेडियो वेव्स की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, जिसका मतलब मार्वल कॉमिक्स का क्विक सिल्वर लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है, जो स्पीड अगेन मक्कारी की स्पीड से बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉमिक्स की मक्कारी ने अपनी टॉप स्पीड में रहते हुए सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट को मैच किया है, और वहीं क्विक सिल्वर स्पीड ऑफ लाइट से तेज मूव कर चुका है। तो अब मक्कारी और क्विक सिल्वर दोनों की स्पीड के बारे में जानने के बाद आइए बात करते हैं डीसी के फ्लैश की। तो फ्लैश डीसी यूनिवर्स का सबसे फास्ट कैरेक्टर है, और ये लाइव एक्शन में हमें सबसे पहले नजर आया था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के अंदर। फ्लैश डीसी मूवीज के अंदर भी बहुत फास्ट है, इतना फास्ट है कि डीसी की जस्टिस लीग मूवी के अंदर जब जस्टिस लीग स्टेपन वुल्फ से फाइट करने आते हैं तब उस टाइम पर वंडर वुमन की तलवार टनल के अंदर गिर जाती है, बट उसे देखते ही फ्लैश उस टनल के अंदर जाता है और अपनी सुपर स्पीड की हेल्प से वंडर वुमन की हेल्प करते हुए उसकी तलवार को पुश करके उसके हाथों में पहुंचा देता है। और इस टाइम पर अगर फ्लैश की स्पीड की कैलकुलेशंस करें तो यहाँ पर फ्लैश इस टनल के 3 राउंड्स मारता है, और ऐसा करने के लिए फ्लैश को सिर्फ 3 से 4 सेकंड्स लगते हैं, जिसका मतलब यहाँ पर फ्लैश की स्पीड ऑलमोस्ट 7 to 8 मैक थी, यानी कि साउंड की स्पीड से 7 to 8 टाइम्स ज्यादा। वैसे इसके अलावा भी फ्लैश की सुपर स्पीड के और भी कई फीट्स हैं, जैसे कि सुपरमैन के दोबारा जिंदा होने के बाद अपनी सुपर स्पीड से उस पर अटैक्स करना, स्टेपन वुल्फ की आर्मी से बचाने के लिए एक व्हीकल को पुश करके सिर्फ 1 ही सेकंड के अंदर सिटी से बाहर करना, बैटमैन के फेंके हुए बैट सिंबल को पकड़ना, और तो और मूवी के एंड में सुपरमैन के साथ रेस लगाना। इन सारे सीन्स को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि फ्लैश लिटरली बहुत तेज रन कर सकता है, बट इनके भी ऊपर जस्टिस लीग स्नाइडर कट मूवी के अंदर फ्लैश इतनी तेज मूव करता है कि वो टाइम के बैरियर को तोड़ते हुए टाइम में पीछे चला जाता है और टाइम में बैक जाकर चीजों को ठीक कर देता है। बट टाइम के बैरियर को तोड़ने के लिए और टाइम में ट्रेवल करने के लिए किसी को भी लाइट की स्पीड को भी ब्रेक करना पड़ेगा, विच मीन्स फ्लैश यहाँ पर लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव करता है। और वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि फ्लैश के पास जो स्पीड फोर्स है वो उसे स्पीड और टाइम के सारे बैरियर्स को तोड़ने की ताकत देती है, इसीलिए अगर फ्लैश चाहे तो लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेज मूव कर सकता है। बट ये तो ही मूवीज की बात, अगर बात करें डीसी कॉमिक्स की तो डीसी कॉमिक्स के अंदर फ्लैश के लिए लाइट की स्पीड को ब्रेक करना बहुत आम बात है, और इसीलिए कॉमिक बुक यूनिवर्स के अंदर फ्लैश की टॉप स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो एक ऑटो सेकंड के अंदर गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस को भी कवर कर सकता है। और अगर मैं आप सभी को बताऊं कि एक ऑटो सेकंड कितना होता है तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक ऑटो सेकंड को निकालने के लिए आपको पॉइंट के बाद 17 जीरोस लगाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद जो 1 आएगा वो एक ऑटो सेकंड होता है, और ये टाइम लिटरली इतना कम होता है कि इस टाइम के दौरान लाइट भी सिर्फ एक मॉलिक्यूल जितने डिस्टेंस को ही कवर कर पाती है। और इसीलिए डीसी कॉमिक्स का फ्लैश किसी की सोच से भी ज्यादा फास्ट है। तो अब अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो मक्कारी क्विक सिल्वर और फ्लैश के स्पीड बैटल के अंदर क्विक सिल्वर मक्कारी से फास्ट है और फ्लैश क्विक सिल्वर से फास्ट है, जिसका मतलब फ्लैश सबसे फास्ट है, और इसीलिए फ्लैश विंस।
तो यही मक्कारी, क्विक सिल्वर और फ्लैश के स्पीड बैटल के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल की और भी कई कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने कई सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।